धार्मिक कंसेप्ट और साइंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन धार्मिक किताब की हर बेतु की बात पर यकीन करने वाले और थोड़ा बहुत साइंस को बिना समझे पढ़ने वाले लोग ये अंतर ही नहीं कर पाते। उनका साइंस की किसी बात को धार्मिक किताब से रिलेट करने का आधार केवल यही होता है कि अमुक बात भगवान ने कही है, और भगवान तो उनकी नजर में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। ये लोग प्रकृति के नियमों के सामने विज्ञान को बोना सिद्ध करने में लगे, जबकि विज्ञान ने सबसे ताकतवर होने का दावा कभी किया ही नहीं। बेशक विज्ञान मौत के मुंह से लोगों को निकाल लाता हो, तब भी वो ऐसा कोई दावा नहीं करता जो कुदरत के नियमों के बाहर हो। विज्ञान तो अपनी बात सिद्ध करने के बाद ही कोई दावा पेश करता है, और विज्ञान ने हजारों सालों पहले के हजारों सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन क्या किसी विज्ञानवादी या किसी नास्तिक के सवाल का जवाब कोई ईश्वरीय किताब वाला आज तक दे पाया है? सोशल बाबा, आपका ये जो टॉपिक है ना कि सनातन में साइंस है कि नहीं, ठीक है, है कि नहीं, साबित तो, करें। हम सीधा सीधा टॉपिक ये है कि साबित, ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना, आप उसको गलत साबित करिए। हमारा जितना भी 5-6 पर्सनालिटी का बारे में बताएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, या तो मैथमेटिक्स में या तो साइंस में, तो वो चीजें आज उसका एग्जांपल दिया जाता है कहीं भी हो। जैसे ब्रह्मगुप्त दिए थे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड फार्मूला, और उसका पूरा वो उन्होंने मैथमेटिक्स बताया उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका ये, इनके बारे में तो आर्यभट्ट के बारे में सभी ने सुना ही होगा, आर्यभट्ट जी थे। उसके बाद सुश्रुत जी थे, चारक जी थे, और अभी 19th century में आ जाइए आप, रामानुजम जी थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स का ऐसी थ्योरी सॉल्व की जो स्ट्रिंग थ्योरी में भी यूज हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन से रिलेटेड साइंस नहीं है, या साइंस भाई इनकी जो भी खोज थी उसका सनातन से क्या लेना देना, मेरे को वही बता दो। आप जानते नहीं कि रामानुजम जी सनातन से पूरा रिलेटेड थे, उनको रात में सपना नहीं, इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, आप बात को समझे थोड़ा ध्यान से, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा। आपने पूरी बात सुनी है ना मेरी, आप ये रामानुजम जी को सपना आता अरे, था देवी अरे जी सोशल था। सोशल बाबा ज्यादा जोर मत लगाओ यार, इतना उछली मत, ध्यान से समझा करो बात को, जो कह रहा है ना कोई बंदा, आप जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से दिमाग पर जोर देकर समझो मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने जो खोज की, उन्होंने जो भी इक्वेशंस दी, उन्होंने इनकी जो भी खोज थी ब्रह्मगुप्त जी की या आर्यभट्ट जी की या रामानुजम जी की, उनकी खोज का सनातन से क्या कनेक्शन, मुझे इतना बताए। वही तो बोल रहा, आप सुनेंगे तब ना बताऊंगा मैं। रामानुजम जी जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा चीजें कैसे कर लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज, तो उन्होंने बताया कि मुझे देवी जी का सपना आता है रात में कि ये ऐसे करना है, तो कनेक्शन हुआ ना? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कैसे कनेक्शन हो गया? क्यों अरे वो पूजा पाठ करते थे देवी जी का, तो देवी जी उनको सपना दे रही है, तो एक तरह से वो उनको अध्यात्म की पावर मिल रही है। ऐसी कोई पावर होती नहीं है वो उनका, तो फिर वो खुद बोल रहे थे ना। देखो उनके बोलने पे से नहीं होता ना भाई, कोई आदमी डिल्यूजन में है तो उसका अच्छा, क्या करोगे आप, कैसे पता करोगे? इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, उनको आप डिल्यूजन बोल रहे हैं? हाँ देखिए देखिए, मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, द ब्यूटीफुल माइंड है ना, नोबल लॉरिएट है वो बंदा भी, अब वो मूवी देख के समझ जाएंगे। देखिए आप किसी स्टेट ऑफ माइंड को गलत बोलेंगे, किसी को सही बोलेंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना, सारे स्टेट ऑफ माइंड अपनी जगह पे। आपका आपका सोशल बाबा, सुनो सोशल बाबा एक बात बताओ भाई, एक आदमी है और वो पूजा पाठ करता है और उसने कुछ खोजे की है और वो अपने धर्म से भी बड़ा प्यार करता है, जैसा कि एक परंपरा भी रही है कि भाई आज बैठ कर कोई पंडित किताब लिखता है और उसका श्रेय वो किसी अगत किसी ऋषि को दे देता है, ये यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, ऐसी बात नहीं है। पंडित बड़ा दिमाग लगाते हैं भाई, कुछ ना कुछ खोज के लाएंगे और वो उसका श्रेय दे देंगे कृष्ण भगवान को, राम को या देवी को, ये चलता है ना, ये आपके ग्रंथों में है ना। ये किताबें किसने लिखी मुझे ये बताओ, भगवान के मुंह से टपकी या किसी बंदे ने लिखी मुझे बताओ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किताबें तो कोई एक मैं बोल देता हूँ, सौरभ जी हाँ बताओ बताओ जी। हाँ जी किताबें किसने लिखी? किताबें तो कोई मनुष्य ने ही लिखा होगा, ये तो मनुष्य ने लिखी ना, मनुष्य ने लिखी। किताबों के अंदर क्या लिखा हो कि ये भगवत वाणी है, भगवान के मुंह से टपकी है, किताब के अंदर ये लिखा हुआ है ना, किताब मनुष्य लिख रहा है और क्या कह रहा है वो कि ये भगवत वाणी है, तो ये क्या हुआ? नहीं तुम सारे किताब की बात थोड़ा कर रहे हैं यार, जो किताब बकवास लिखा है तो उसको मत मानिए। नहीं 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 नहीं, आपने मान लिया ना कि किताब इंसान ने लिखी और नाम डाल दिया भगवान का, तो यही यही चीज लागू होती है कि भाई खोज की या कैलकुलेशन की रामानुजन ने और उसका श्रेय दे दिया देवी को, ये हो गया ना क्लियर आपका? नहीं तो वो आप एक तरह से उनको मान रहे हैं कि वो मानसिक रूप से क्या अभी बोले थे, तो धार्मिक हिसाब से मैं मानसिक रूप से धार्मिक बोल रहा हूँ। आपको पता है ये जो इसरो के साइंटिस्ट हैं भाई, वो नकली का रॉकेट लेके गए वहां पे बालाजी में चढ़ाने के लिए, ठीक है,
तो क्या वो बालाजी ने रॉकेट बना के दिया क्या उनको, बताइए। उनको एक आध्यात्मिक फोर्स मिलता है इसलिए करता है हाँ ऐसा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक फोर्स कोई साबित नहीं होता है और कोई अरे वैज्ञानिक क्यों धार्मिक नहीं, है। आप अरे चिल्लाओ मत आध्यात्मिक यार, सुनो तुमसे ज्यादा चिल्ला सको, चिल्लाओ मत, थोड़ा टोन डाउन रखो यार, समझे, जैसे हम बात करें ना उस तरह से बात करो। आपका चिल्लाने से आपका झूठ साबित सच साबित नहीं हो जाएगा, समझे मेरे भाई, तो तो आप उनको थोड़ा बताइए ना, सा आप लेवल। अपना कुछ बोले। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। एक साइंटिस्ट है, वो रॉकेट का खोका चढ़ाता है बालाजी पे और वो रॉकेट पहुंच जाता है चांद पे, जो असली वाला रॉकेट है चांद पे। अब ये बताओ कि वो रॉकेट बालाजी ने पहुंचाया चांद पे, या ईंधन ने पहुंचाया, देखिए या जो जो सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे उन्होंने पहुंचाया। भाई साहब, आप देखिए मैं जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल दूसरा था, आप दूसरा एग्जाम्पल दूसरा ले नहीं रहे था, हो। सेम यही सेम है सेम दूसरा। सर सर एग्जाम्पल ह्यूमन कैसे? सर किसी ह्यूमन को, एक किसी सेकंड। को सपने सपने में कोई फार्मूला आया, वो सुबह उठ के हाँ वैसा जी, देखिए फार्मूला लिख दिया, सुनिए तो सुनिए वो अलग सुनिए, चीज हो गया ना। पहला 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 सुने, जब रामानुजन को ऐसे फॉर्मूलाज आते थे ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे उनको। बाद में उसको बैठ के, जो वो जो उनके कलीग्स थे उनके साथ बैठ के कोशिशें करनी पड़ी थी कि इसको हम प्रूव कैसे करें, और फिर उन्होंने उसको डिराइव भी किया था, है ना। हाँ और यही नंबर तो सब। दूसरा, हाँ, तो डेरिवेशन है उसके, इसलिए मानते हैं। अच्छा, नंबर दूसरा, जब रामानुजन जी यहाँ से बाहर पढ़ने गए, तो उनकी फैमिली को यही सनातन धर्म ने कि बच्चे ने समुंदर लांग दिया, तो वो गांव के आउटर में डालते, वो क्यों किया। नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अध्यात्म में कुछ चीजें तो हैं, ये नहीं, चीज तो हाँ तो मानना ये पड़ेगा। तो, लेकिन ये तो क्यों धर्म मानना में लिखा पड़ेगा, है सिद्ध ना। करो ना भाई, आप कैसे सुनिए मानोगे। मेरी बात, पहले सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। अध्यात्म से लोग अपने आप को, जैसे बुद्ध जी ने पहले स्टार्टिंग में अध्यात्म फॉलो किया था, अरे अध्यात्म अपने आप को नहीं, अभी डिसिप्लिन जैसे पता, किया। अभी सुनो सुनो दोस्त मेरे, अध्यात्म की जलेबी मत बनाइए, आज अध्यात्म का विषय नहीं है, आज साइंस का विषय आज है, जो आपके ग्रंथ हैं उनसे साइंस निकालने का विषय है। साइंस को आप केवल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में देखोगे तो कैसे होगा? आप तो ये ह्यूमन बॉडी टेक्नोलॉजी के को फॉर्म में नहीं रिफॉर्म दे रहे करना आप टेक्नोलॉजी की साइंस फॉर्म ही में नहीं, निकालो, साइंस। टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे, साइंस देखिए निकालो। तो वही तो बोल रहे हैं आप, जो ये अध्यात्म बोलो एक तरह से साइंस ही है, जो बॉडी कैसे के प्रति डेडिकेटेड है। कैसे, आओ कैसे? आप देखिए, आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, अपने आप माइंड को फोकस करते हो, ये सिर्फ एक चीज, एक तरह से एक लॉजिक, एक तरीका है बॉडी को ट्रेन करने का, तो उससे आपका कोई पर्पज अचीव होता है, ये एक साइंटिफिक जिन्होंने मेथड है। जिन्होंने जिन्होंने कर लिया इसको, उन्होंने क्या अचीव किया। बहुत कुछ, आप महावीर बुद्ध को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, सब लोग भाई ने हम डिसिप्लिन तो करके। हम उन्होंने जो भी बातें कही हैं, वो बातें विचार करने से, बैठकर विचार करने से, सोचने से वो आ जाती हैं। आज भी बहुत सारे फिलोसफर हैं और उनके बाद भी बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, तो विचार उन्होंने करके सोचना, उन्होंने वही सोशल तो बाबा बोल रहे। सोशल बाबा सोशल बाबा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, फिर मैं भूल जाऊंगा यार, सॉरी पूछ रहा हूँ बीच में। भाई ये जो शंकराचार्य ने उपनिषद और अध्यात्म ये सारा कुछ जो पूरा ज्ञान दिया ना, जो ये शंकराचार्य से आता है, आप जानते हैं, जानते हैं ना। हाँ, हाँ शंकराचार्य जानते हैं, की सेवन मृत्यु, हाँ सेंचुरी में थे, शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई। आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद कैसे मृत्यु जी हुई जी उनकी। वो तो डूब के बता रहे थे, मैं याद नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सॉरी, मृत्यु के बारे में उनके याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। उनका एक किस्सा था कि वो पानी में उनको मगरमच्छ पकड़ लिया, तो वो याद आ गया मुझे। हेलो, आपको पानी में मगरमच्छ पकड़ लेता यार भाई, वो उनके शायद गुदा मृत्यु के रोग बारे से, में मुझे वो शायद गुदा नहीं रोग है। से अच्छा मरे थे। हाँ, उनको भगंदर हो गया था, और नहीं, उनका पॉइंट भगंदर, क्या है वो बताइए ना। अरे भगंदर मैं हो गया बता रहा तो हूं वो ना, बीमारी मैं बता रहा हो हूं सकती ना। है। हाँ, बीमारी हो सकती है। तो एक्चुअल देखिए, वो इतने जिन्होंने सर, अध्यात्म की शुरुआत की, और हाँ जी। जो रामानुजन जी थे, जो मैथमेटिशियन है हमारे यहाँ के, तो वो जो सर, उनको जब कहने का मतलब, जो डिसिप्लिन बोल रहे थे ना, तो वो सुबह उठ के पूजा करते थे, नहा धो करें, ठीक है, एक डिसिप्लिन था। तो जब फॉरेन में जाते हैं वहां पे, तो ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, तो नहाते रहते थे, मतलब सुबह पूजा पाठ करते थे। उनको क्षय रोग था, मतलब टीबी का रोग था, उसी से उनकी डेथ हुई। पर उन्होंने ये काम कर जारी रखा, मतलब रानी, वो कौन सी गॉडेस है, गॉडेस चेलम्मा आई थिंक, तो उनकी पूजा करते थे। तो वहां पे वो रोज सुबह, मतलब जैसे फॉरन है शायद, ट्री कहाँ पढ़ते सर, भूल गए सर, हार्वर्ड में पढ़ते थे ना, तो वहां का जो वो टेम्परेचर पे, मतलब पानी जो है वो उसी से नहाते थे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहाना नहीं छोड़ा, तो उसकी उनकी बीमारी बढ़ती गई, और ये मतलब पूजा करते गए बीमारी बढ़ती गई वो, तो मतलब क्षय रोग से उनकी डेथ हुई, और बहुत ही अर्ली एज में डेथ हुई। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो और खोजे कर सकते थे, और मैथ्स में आगे जा सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे, पर उनकी ये जो जीत थी वो सर उनका डेथ का कारण बनी, मैं ये कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो सर ये बोल रहे हैं ना, अध्यात्म की बात जो कर रहे हैं, मतलब आप उनके जीवनी को पढ़िए, मतलब जो सर बात कर रहे हैं अभी, तो वो जिसे एक डिसिप्लिन है या वो अध्यात्म की बात हुई, तो वो
मतलब 37 या 36 की ईयर में उनकी डेथ हुई। 37 कि अध्यात्म से अगर शक्ति मिलती तो भाई जो शंकराचार्य है वो गुदा रोग से ना मरते, ठीक है। अध्यात्म से अगर विज्ञान की कुछ जानकारी मिलती तो कोई आयुर्वेद की जानकारी मिलती, स्वस्थ स्वास्थ्य। ऐसे ऐसे एकदम से नकार नहीं सकते हैं, मतलब आप नहीं मानिए सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि वो जैसे क्षय रोग से पीड़ित हुए, मतलब हुए ठीक है, तो उनका एक डिसिप्लिन था, वो अध्यात्म की प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहिए या अध्यात्म पूजा पाठ कहिए, तो उनका डेली का नियम था कि सुबह उठ के नहाते थे और मतलब नहाना अनिवार्य था, फिर पूजा करते थे, तब जा काम करते थे। आपकी मतलब बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही हमारे मैथमेटिशियन है, बहुत ही मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तो वो अगर और जीते तो और अच्छी डिस्कवरी कर सकते थे ना, पर उन्होंने जो जीत पकड़ी तो वो मतलब तभी नहाया उन्होंने। तो आप बोल रहे हैं ना वो अध्यात्म से मतलब चीजें मिलती हैं, मतलब आपने बोला, मैं उसी से रिलेट कर रहा था, तो अपनी बीमारी क्यों बढ़ा रहे थे, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो तो गलत की है, बाकी चीजें जो किए हैं कंसंट्रेशन जो अपना वो फोकस करके नहीं, 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 तो जिस रीजन से उनकी बीमारी बढ़ रही है वो रीजन ये था कि ठंडे पानी से नहाते थे वहाँ, जबकि नहाना नहीं चाहिए था, बात भाई समझ रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में उठ करके 4 बजे के आसपास नहाते थे। आप उनकी जीवनी पढ़िए या फिर मूवी देख लीजिए, उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए जोड़ रहा था उस अध्यात्म को और वो बीमारी को और उस चीजों को जोड़ रहा था, बात भाई समझ रहे हैं। फिर वही सर अभी ह्यूमन सर ने बोला कि आदि गुरु शंकराचार्य की डेथ जो थी वो पाइल से होती है, तो मतलब ये चीजें रिलेट करने की बात हो रही है। तो ये तो दो केस आप एक्सेप्शन बता दिए ना, नहीं बहुत सारे दो केसेस नहीं है, क्या कहते हैं दयानंद सरस्वती जो है उनकी भी डेथ तो होती है ना, आई थिंक सर किसे जहर खाने से या नहीं बीमार थे वो, अच्छा वो भी बीमार थे। आप सुनिए मेरे पास, सोशल बाबा आप सुनिए, अब आप सुनिए, आप पहले ये बताएं अध्यात्म की डेफिनेशन पहले बताएं, है ना, जलेबी बाद में बनाएंगे, पहले डेफिनेशन बता दे क्या है। देखो एक ह्यूमन बॉडी है और आत्मा है, दो चीजें हैं। हाँ गलत है? गलत, सुनिए आप पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए तो ठीक है। अच्छा देखो दो पार्ट हैं, एक बॉडी है जो मटेरियल चीज में आपको दिखती है सामने, और उसके अंदर एक एनर्जी फॉर्म में चीज है, दो चीजों से मिलके आदमी कंप्लीट होता है, मतलब उस चलता बोलता सुनता दो चीजों मिलने से ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। और जो एनर्जी है वो बॉडी के अंदर बंद कैद है एक तरह से, ठीक है। अब एनर्जी अच्छा। को एनर्जी जो बॉडी को रन कराने के लिए बहुत सारे सेंस दे दिया है ईश्वर ने बॉडी को, कि वो एनर्जी को एनर्जी उससे बंधी रहे, वो सेंस जैसे सेक्स फूड बाकी चीजें जो प्लेजर की चीजें हैं उन सबसे उसको रोक के रखता है, फोर्स को जो अंदर अच्छा। का जो एनर्जी है उसको, ठीक है। आप अध्यात्म से जो डिसिप्लिन सर सोशल बाबा अध्यात्म हाँ। की डेफिनेशन पूछी, डेफिनेशन नहीं बता रहे, किताब बता रहे हो, नहीं है ना, आप बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो वो जो आपका डेफिनेशन पता है क्या है, अब मैं उसकी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ तो आपने डेफिनेशन ही गलत बताई, फाउंडेशन ही गलत है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो ह्यूमन सोल है उसके बारे में कंसर्न दिखाना और उसके बारे में कंसर्न रहना, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई सोल ही नहीं है। तो सोल नहीं है मतलब एनर्जी का कोई फॉर्म है ना जो आपको चेतना देता है भाई, ऐसी कोई एनर्जी फॉर्म आज तक साबित नहीं हुई है। नहीं नहीं तो आपको चेतना कैसे मिलती है आप बताइए। आपके बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिसका बाय प्रोडक्ट आपकी चेतना, सो कॉल्ड चेतना है। ये तो आप अलग से थ्योरी बना लिए हैं मुझे लगता है। मैं आपको ना दिखा सकता हूँ, इसके आप दिखाता हूँ, आप साबित कर दें कि कोई साइंटिस्ट ने ऐसा कहा हो कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें चेतना मिलती है, आप बता दें कोई से भी, कहीं से भी कोई रिसर्च पेपर। तो आदमी मरता क्यों है फिर, बॉडी तो ही दिखता है जो आप पहले भी देखते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हो रही है जिससे चेतना बाय प्रोडक्ट है उसमें से कोई प्रोसेस बिगड़ जाती है और वो एक सिस्टम जब कोलैप्स हो जाती है, तो जो सिस्टम कोलैप्स हो गई तो कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स हो गई, हो गया खत्म हो गया। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट या तो एनर्जी होगा या तो मटेरियल होगा। तो भाई एनर्जी मटेरियल ही होती है, आप जो बोले ना बाय प्रोडक्ट की वजह से चल रहा है बॉडी, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या है। आपके ब्रेन के न्यूरो आपको समझेगा नहीं सर, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। आपके आनंद जी आपका आपके ब्रेन में अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर है, अलग अलग आपका डीएनए है, बहुत सारी चीजें है सर,
आप हाँ तो समझ पाएंगे? जो भी आप जितना भी चीजें बोलेंगे वो एनर्जी या मैटर में कवर हो जाएंगे, ठीक वो है? एनर्जी, तो वो सर चीज जो सर भी एक्स्ट्रा इनर प्रोडक्ट सर निकलता है उसे चल रहा है सर आपका बॉडी। सर अगर मैं अभी आपके दिमाग पे, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करूंगा, एक डंडा मारू जोर से तो भिन्नाओगे कि नहीं भिन्नाओगे? हाँ दर्द होगा अवश्य। हाँ, आपकी आपकी कुछ एबिलिटीज कम ज्यादा भी हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा, सर पे चोट लगी और फिर वो पढ़ नहीं पा रहा है, चीजें भूल गया है ना? हाँ, ठीक तो है। उसकी चेतना कम ज्यादा हुई कि नहीं, हाँ तो आप ही बोले कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कम ज्यादा हो गया होगा जो निकलता है, तो उस है ना? हिसाब से तो तो है ना वो कोई चीज जो उसको बैलेंस कर रहा है, चला रहा है, तो वो चीज क्या है? हेलो। देखिए, जो चीज आप, अरे सर सोशल बाबा भाई, जो चीज आपको चला रही है वही तो आपका ब्रेन है। एक चीज, एक अभी आपने पीछे एक चीज बोली थी आत्मा के बारे में और अध्यात्म के बारे में, कि ये भौतिक जगत से परे होके एक आत्मा और ब्रह्म की बात करते मैंने हैं। बोला था कि जो आत्मा को बॉडी के अंदर पकड़ के रखने के लिए सेंस देता है, सेंस जनरेट होता है, उस सेंस को अगर आप धीरे खत्म करना चाहें तो अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। और सेंस जब आपका नहीं, बॉडी आपने से, आपने नहीं आपने बोला था कि काम मोह मोक्ष इन सॉरी काम हाँ तो वो माया सेंस ही है, सेंस, वो सेंस ही इनसे है बॉडी। इनसे परे करता है ना अध्यात्म। जी जी सोशल बाबा, आपने कहा था कि ये जो अभौतिक बात करता है, भौतिकवाद से परे ले जाने वाली चीज है अध्यात्म, यही कह रहे थे ना आप? मैं बोल रहा हूँ जो सेंसेस होते हैं बॉडी में उनसे एनर्जी को अगर एनर्जी और मटेरियल को, एनर्जी को बॉडी पकड़ा हुआ है एक तरह से सेंस के सहारे, अगर सेंस को कम करना है, सेंस को खत्म करना है, तो वो आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे एनर्जी आपका ओके फ्री okay. हो जाएगा। आपने ये जो कि अध्यात्म आता कहाँ से? उपनिषदों से आता है या फिर वेदों से आता है? ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है, प्रैक्टिस कर नहीं, रहा मेन है सोर्स क्या, जो। मेन सोर्स क्या है आपका, वेद है या अध्यात्म का या उपनिषद है, क्या है, कौन से ग्रंथ है या भगवद गीता है, क्या है? ये जो वैदिक काल में ही मिलता है हमारा, मतलब प्री वैदिक काल से ही चला आ रहा है, तो वेद ही होगा। मतलब आपको इसका सोर्स नहीं पता अध्यात्म का? वेद में जो बताया गया है कि ये तपस्या किया इन्होंने, ये तो ये एक तरह से वो अध्यात्म का पाठ ही है। वेदों में कहाँ तपस्या हो रही है? वेदों में तो यज्ञ हो रहे हैं। वेदों में यज्ञ के बिना, आहुति के बिना और भेंट के बिना और भविष्य के बिना तो कोई बात ही नहीं हो रही है वहां पे। सुरापान की बात हो रही है वहां पे, वहां पे बैल काटे जा रहे हैं, कहाँ पे अध्यात्म की बात हो रही है वहां पे? वहां पे तो सारी भोगवाद की बातें हैं। मैंने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं वेद दिक्कत यही है ना कि और। आपने ना तो जो जिन जिस चीज को आप आधार बोलते हैं अध्यात्म को, कि वही अध्यात्म हिंदू सनातन का आधार है और यही विज्ञान है सनातन का, अध्यात्म ही, तो अध्यात्म का जो सोर्स है वहां पे क्या है वो आपने पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ाऊं आपको? नहीं हाँ बताइए बताइए, क्या आप बता रहे हैं? सबसे ज्यादा बोला जाता है कि उपनिषद अध्यात्म का सोर्स है और वहां पे पूरा भौतिकवाद है। ये देखिए यहाँ पे लिखा, गौतम स्त्री अग्नि है, उसका गुप्तांग ईंधन है, गुप्तांग पर उगे हुए बाल समझते हैं, वो अमित जी बोलते हैं ना, चिकुर चिकुर बाल, गुप्तांग पर उगे हुए बाल, धुआं है, योनि ज्वाला है, लिंग ये प्रवेश कौन सा द्वार है, उपनिषद है, क्या नाम है? छांदोग्य, छांदोग्य और नहीं कामानंद बृहदारण्य, ही, बृहदारण्य ये बृहदारण्य शायद, एक, हाँ एक बृहदारण्य। मिनट, छांदोग्य से स्टार्ट हुआ सर और ये फिर छांदोग्य का आ गया यहाँ पे, फिर छांदोग्य के आ गया, हाँ यही है, ये फिर ये उसका आ गया। बृहदारण्य के ना ऊपर आप देखें, इससे मिलता जुलता ओके, वर्णन बृहदारण्य को। ओ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बृहदार, हाँ ये रहा यहाँ पे, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है भाई ये। ये देखिए यहाँ पे चिंगारियां उठ रही हैं यहाँ पे, तो वेदों का दिखा दूं आपको? आपने ग्रंथ नहीं देखे ना असल में, आपने दो चार वीडियो सुनी और बस आप डिफेंड करने के लिए आ गए। इस पे आप क्या वेद कहेंगे यहाँ? इतना, इतने चार वेद हैं, इतना सारा टेक्स्ट है, पढ़ना पॉसिबल है क्या? तो बस दो तो फिर आप वीडियो किसी ने डिफेंड गपोड़ करने दी। क्यों? नहीं नहीं तो अध्यात्म के बारे में मैंने पढ़ा है ना, तो इसलिए हाँ, बोल रहा तो हूँ। अध्यात्म का अध्यात्म सोर्स तो आता होगा ना, आएगा कहाँ से अध्यात्म? उसका सोर्स क्या है, उस वो टेक्निक जो है वो कैसे काम करती है, क्या है, वो तो मैंने पढ़ा है आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने ना ग्रंथ पढ़े हैं ना आपने साइंस पढ़ा है, ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि पता आप है जो बातें कर रहे हैं उनसे यही साबित हो रहा है। आप कम ऐसा से मतलब, कम कोई कोई चीज, अगर आप किसी चीज को डिफेंड करने आए हैं तो उसके बारे में अच्छे से पढ़कर आइए, जो भी पढ़ सकते हैं। अभी आपको, आप कहें कि एक आत्मा होता है शरीर के अंदर, ठीक है ना, अगर मेरे को अगर कहीं से ऐसी बात पढ़ने को मिलती कि एक आत्मा होता है शरीर के अंदर, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता है जानने की कि कहीं ऐसा क्या साबित हुआ है
कि शरीर के अंदर कोई आत्मा होता है, आपने कभी सर्च ही नहीं करा होगा। नहीं, जो चीज पॉसिबिलिटी से परे है उसमें क्या ही सर्च करेंगे आप। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर किसी ने क्लेम किया है तो फिर किसी आधार पे किया होगा ना, वो आधार क्या है? एक जो आप बोल रहे हो ना बात, ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, लेकिन मत करो वो एक्सपेरिमेंट गलत है। और आत्मा का वजन 21 ग्राम है, अगर आत्मा का वजन है तो फिर वो फिजिकल हो गई। क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। उसको बेसिस नहीं मान सकते। अच्छा अर्पित सर, वो यमराज नचिकेता का जो संवाद है वो सर कठ में है ना सर? कठ उपनिषद में। तो सर कट से अच्छी जलेबी सर आध्यात्मिक की बनी नहीं है सर, मैंने पढ़ी तो, अगर हो तो सर वो पढ़ा दीजिए उन्हें, बहुत अच्छी जलेबी। फायदा नहीं इनको पढ़ाकर, इनके बहुत बेसिक लेवल हैं, इनको बहुत बेसिक है। पहले साइंस पढ़ें अच्छे से, और अध्यात्म के जो भी सोर्सेज जहां से अध्यात्म आ रहा है उनको पढ़ें, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। आपका नाम क्या, मैं समझ नहीं पा रहा, कौन बोल रहे हैं? अर्पित जी, द्विवेदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम साइंस नहीं पढ़े? क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं उनसे साबित हो रहा है ना आपके, तो आप गलत क्या साबित, मतलब अध्यात्म का जो बात मैंने बोला उसको आप कैसे गलत साबित कर रहे हैं? देखिए, कोई भी बात अगर आप क्लेम करते हैं तो सबसे पहले आपको, आपके पास वो सबूत होना चाहिए उसको साबित करने के लिए। आपने बोल दिया कि एक आत्मा होता है, साबित करो। अच्छा सर, साइंस कहा पढ़ी है आपने, तो सर साइंटिफिक अप्रोच बता दीजिए बस थोड़ा सा। इस चीज का साइंटिफिक अप्रोच जानना है, बताइए आप। अरे साइंटिफिक अप्रोच होता क्या सर, वो बता दीजिए, ये पूछ रहे। आप किसी चीज को उसको टेस्ट करके देखते हैं, या तो लैब में देखते हैं या थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, अगर वो उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो साइंटिफिक है, अदरवाइज अनसाइंटिफिक है। देखिए हम क्या करते हैं, हम अपना सीधा सा फंडा बता देते हैं आपको। जब कोई क्लेम करता है कि हमारे वेदों में विज्ञान है, तो हम वेद खोलते हैं और वेद को पढ़ते हैं, ठीक है। हम वेदों का विज्ञान दिखाते हैं फिर लोगों को कि ये रहा वेदों का विज्ञान, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई हमारे फलाने उपनिषद के अंदर इतनी गहरी बातें लिखी हुई हैं, और वहां पर मतलब ब्रह्म की बातें हैं, वहां पर अभौतिक बातें हैं, वहां पर भौतिकवाद से परे ले जाने की बातें हैं। हम खोल के दिखाते हैं, खोल के पढ़ते हैं, चेक करते हैं, यार यहाँ पे तो यार ये तो सुरा सुंदरी यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी सेक्स की बातें हो रही है, यहाँ पे भी लड़का होने की बातें हो रही है, यहाँ पे भी नारियों को अलग थलग किया जा रहा है, यहाँ पे भी यज्ञ हवन की बातें हो रही है, यहाँ पर भी ब्राह्मणों को दान देने की बातें हो रही है। ये तो पूरा का पूरा भौतिकवाद है, ये तो झूठ है, ये तो फेक है। तो इसको साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, परखना, जांचना, समझे आप, कि आपने किसी से सुन लिया और आपने वही पीपड़ी बजानी स्टार्ट कर दी। एक बार भी खोल के जाके देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, वेदों का भ्रम थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आप अध्यात्म अध्यात्म चिल्लाते हैं ना, जो ये रहे आपके आध्यात्मिक ग्रंथ जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ऋग्वेद, आपके हिसाब से, सनातन के हिसाब से क्या लिखा है इसके अंदर, देखिए ये अभौतिक है कि भौतिकवाद है, देखिए, और कितना भयंकर भौतिकवाद है। मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञ करता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें मैं खाकर मोटा होता हूं, वे मेरी कुक्षियों को सोमरस से भर देते हैं। सोमरस समझते हो, मदिरा, सुरा, ये मंडल 10 उक्त 39 मंत्र 14 से स्पष्ट है। वो हत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के तौर पर इस तरह के प्रयोग होते हैं, बैल मारने की बात, जिनको आप गोवंश बोलते हैं, जो आपके प्रशांत वगैरह बोलते हैं ना, कि माँ का हाथ खड़े हो जाए। अरे भाई, आपका पूरा का पूरा अध्यात्म जहां से आप निकाल के ला रहे हो ना, वो पूरा का पूरा मांसाहार से भरा पड़ा है। मांस के बिना बात ही नहीं हो रही है, दारू के बिना बात ही नहीं हो रही है वहां पे। और आप उनको सुनकर या ऐसे किसी को भी सुनकर आकर यहाँ पर डिफेंड करने लग जाते, एक बार भी वेरीफाई नहीं करते, और ऊपर से आप पूरा मतलब अड़ जाते हो। ये देखो आगे क्या लिखा है, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोमरस तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो, यजमान बैल पकाते हैं, तुम उन्हें खाते हो। ऋग्वेद 10:28-3। आगे और सुन लो, पितरों के लिए तुम गाय के चर्म विशेष को ले आओ, ले जाओ, तुम दूर स्थित पितरों को जानते हो, उस चर्म विशेष से निकलने वाली मज्जा चर्बी की नदियां पितरों की ओर बहें और उनके लिए दान करने वाली सब कामनाएं पूरी हो। आगे और सुन लो, ब्राह्मण वृषभ बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है, इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में से कौन कौन सा अंग किस किस देवता के लिए प्रिय है, इसका विवेचन किया गया है पूरी डिटेल के साथ, कौन सा अंग कौन से देवता को दान करना है। और दान क्या था, वो देवताओं के नाम पर वही खाते थे अध्यात्मवादी जो बैठ के अध्यात्म कर रहे थे। आपको भ्रम हो गया यार कि ये जो ऋषि मुनि थे ना, ये बैठकर पत्थर पे कहीं तपस्या करते थे और इनको ज्ञान मिलता था, ऐसा कुछ नहीं था।
ये आपने सीरियल्स में टीवी में देख लिया होगा या फिर ऐसे किसी कथावाचक से सुन लिया होगा, आधुनिक बाबाओं से सुन लिया होगा, ऐसा नहीं है। जब हम ग्रंथों में जाते हैं ना, हकीकत वहां पे पता चलती है कि वो कहीं पत्थर पे बैठ के तपस्या नहीं कर रहे थे, वो हवन कुंड के चारों तरफ बैठकर मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे, वही था उनका ज्ञान और वही था उनका अध्यात्म। अर्पित जी, जी हाँ, इन्हें थोड़ा सा एक बार आप एक मैसेज पास कर दीजिए जो भी लोग नहीं पढ़ते हैं और खाली सुनते हैं। असल में हमारा मकसद ना, हमारा आप लोगों को नीचा दिखाना या कुछ ऐसा नहीं है, हमें सच्चाई दिखाना है। जो आप भ्रम में जी रहे हो ना, उस भ्रम को दूर करना है। हम वो हकीकत आप लोगों के सामने लेके आते हैं जो जिस तक आप नहीं पहुंचे हैं। मतलब आपने सुन लिया कि हमारे ग्रंथ महान है और आपने मान लिया बस कि महान है, सारा विज्ञान ज्ञान वहीं से निकला है। एक बार भी आपने जिल्द खोल के नहीं देखी उस ग्रंथ की, अपने ग्रंथ की, कि देख तो ले वहां पे है क्या, लिखा क्या। जी अर्पित जी, आप कहें। बिल्कुल, एक्चुअल में लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते, कहीं से किसी के मुंह से सुन लिया, किसी गुरु ने, आधुनिक गुरु ने कुछ बता दिया, नए नए आजकल आध्यात्मिक गुरु पैदा हो गए हैं, वो कुछ का कुछ बताते रहते हैं, अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, उनसे सुनकर आ गए, कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पढ़ लिया, वही उनके नॉलेज का सोर्स होता है। अगर आप वाकई में किसी गुरु को सुनकर, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़कर, टीवी सीरियल्स देखकर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम शास्त्र पढ़कर बैठे हैं, यहाँ पर हम साइंस पढ़कर बैठे हैं। आप अगर सोचेंगे यहाँ पर आकर वो जलेबियाँ चलने वाली, तो नहीं चलने वाली। कम से कम आप कुछ अगर आ रहे हैं कुछ यहाँ पर डिफेंड करने किसी चीज़ को, तो सोर्सेज से पढ़कर आइए, जो एक्चुअल सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में, फिर साइंस की भी थोड़ी सी नॉलेज लेके आइए। जैसे कोई भी क्लेम है, गॉड का क्लेम है, किसी सोल का क्लेम है, पुनर्जन्म का क्लेम है, उसके बारे में पढ़कर आएं कि साइंस क्या कहता है उसके बारे में, क्या वो किसी तरह से वो चीज़ें साबित हुई हैं, कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त होने वाली बात है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उनको साइंस से पढ़कर आएं कि भाई साइंस क्या कहता है। जैसे सोल के बारे में ये दावा कर रहे थे कि सोल होता है, भाई आपने पढ़ लिया कहीं सोल होता है, हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन में, हमें भी यही बताया गया था कि कोई सोल होता है शरीर के अंदर, वो निकल जाता है तो इंसान मर जाता है। बाद में मैंने बहुत पढ़ा, मैंने पूरी कोशिश करी किसी तरह से कहीं पता चले कौन सा सोल क्या, कहीं है ही नहीं। पूरे मेडिकल साइंस की आप सारी टेक्स्ट बुक उठा के देख लें, उसमें कहीं किसी में नहीं लिखा कि कोई सोल बॉडी से निकलता है तो शरीर मर जाता है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आज तक सोल जैसी कोई चीज साबित ही नहीं है। मेडिकल साइंस आपकी बॉडी क्यों मरती है और वो कैसे फंक्शन करती है उसको बिना किसी सोल को बीच में लाए डिफाइन कर सकता है बहुत अच्छे, उसको सोल की जरूरत नहीं पड़ती। जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी चीज के फंक्शन में या उसके डिसफंक्शन हो जाने में, तो फिर उस चीज का होने का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, वो सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि प्राचीन लोगों को पता नहीं था कि बॉडी कैसे फंक्शन करती है और ऐसा क्या हो जाता है कि ये बॉडी फिर फंक्शन नहीं करती है, मर जाती है। तो ये उसके लिए एक सोल वाला कॉन्सेप्ट था, बट उसकी आज जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़कर आएंगे, समझ कर आएंगे, तो हमारा भी टाइम बचेगा, हम भी चाहते हैं कुछ आगे की बातें हो, भाई हो सकता है कि कुछ हेल्दी डिस्कशन हो आपसे, तो मे भी कुछ अच्छी चीज हो सकता है हमें भी समझ में आए, हो सकता है कुछ आप यहाँ से समझ के जाएं, लेकिन उसके लिए कम से कम थोड़ा सा आगे का अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप पढ़कर आएंगे ना, तो वो बात करने में मजा आएगा, वरना ये पुरानी घिसी पिटी चीजों को कब तक हम आपको समझाते रहेंगे।